देश में कोविड-19 मरीजों का रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि अब मरीजों का रिकवरी रेट 29.36% पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह है कि अब तक भर्ती हुए हर तीन में से एक मरीज रिकवर हो चुका है। हालांकि उन्होंने जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों के पालन पर जोर दिया और कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर कोरोना का प्रकोप तेजी से फैल सकता है। कुछ स्टेट्स में लास्ट पिछले कुछ दिनों में संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, दिल्ली भी है, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन स्टेट्स में ओवरऑल काफी केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। हमारे लिए जरूरी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए किस तरह से हम अपने कंटेनमेंट एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करें, ताकि हम उन केसेस की उनमें जो प्रोग्रेस हो रही है उसको हम रोक पाए। जिसके लिए जरूरी है कि हमारे कंटेनमेंट एफर्ट्स बहुत ही स्ट्रिंजेंट हों और साथ में जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने बताए इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डिस्टेंसिंग उसका फील्ड लेवल पर प्रॉपर तरीके से पालन हो। विद रेस्पेक्ट टू रिसर्च एंड रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स, हम लोगों ने इससे पहले भी इसके बारे में बात की है कि जब कुछ रैपिड डायग्नोस्टिक किट से संबंधित उनकी एफिशिएंसी और एफिकेसी के ऊपर कुछ कंप्लेंट आई थी तो उसके साथ ही आईसीएमआर ने उसको एग्जामिन किया और उसको एग्जामिन करते हुए डिटेल्ड गाइडलाइन जल्दी ही इश्यू करेंगे।